हेलो फ्रेंड्स, ये जो कार है E200 कंप्रेसर, इसका नाम है कंप्रेसर। इस कार में प्रॉब्लम है, वाइपर का जो डंडी है उससे पानी नहीं आ रहा है, दबाने पे पानी फेंक नहीं रहा। अभी दिखाता हूँ आपको दबा के, ये देखिए मैंने दबाया वाइपर, वाइपर का डंडी दबाया, ये बीच में दबाने वाला प्रेस करने वाला है, इस पर दबाया मैंने, लेकिन वाइपर का जो पानी है वो फेंक नहीं रहा है। तो इसका जो वाइपर का पानी, जो दिखाता हूँ किधर है इसका वाइपर का बोतल, वाइपर का बोतल है लेफ्ट साइड के, जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का टायर खोलेंगे, टायर के नीचे लेफ्ट साइड में गोला के अंदर है, इसके अंदर है। अभी दिखाता हूँ, ये खोला हम लोगों ने, अभी देखिए करेंट दिखाता हूँ। अगर आपका गाड़ी में डंडी दबाने पे करेंट आता है तो इसका मोटर का तकलीफ है, इसमें एक डायरेक्ट ग्राउंड आता है और मेन डंडी पे दबाने पे आते हैं, डंडी अगर दबाएंगे तो आता है। जिस समय अगर आपको वाइपर डंडी दबाने पे वाइपर चलता है और पानी नहीं आता है तो अधिकतर मोटर या तो वायरिंग कटे रहेंगे, ये आपको जरूर ये चेक करना। अगर इसमें करेंट आता है तो इसका मोटर गया, मोटर अभी खोल के हम लोग दूसरा डालेंगे, मोटर डाल के दिखाता हूँ अभी आपको। देखिए मोटर, ये ऊपर का जो कवर है वो निकालेंगे तो मोटर बाहर आ जाएगी। ये देखिए ये कवर है, ये हम लोगों ने निकाल के बाहर लिया मोटर, मोटर बाहर देखिए कैसे आता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऊपर के इससे खींचेंगे डायरेक्ट तो बाहर आ जाएगी मोटर ऊपर की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ खींचा हम लोगों ने, बाहर आ गया। अब ये पाइप निकाल के मोटर बाहर लेंगे, नया मोटर फिट करेंगे, नया मोटर फिट करके दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए मोटर, ये है पुराना मोटर चूना, ये मैंने ब्रांड न्यू मोटर लाया है, लाके अभी लगाऊंगा, अभी दिखाता हूँ आपको फिटिंग कर दिए हम लोगों ने। अभी देखिए फिटिंग कर दिया, फिटिंग करके अभी आपको दबा के दिखाता हूँ। अभी ये देखिए दबा हम लोगों ने पानी, ये देखिए फेंक रहा है ना, पानी फेंक रहा है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मोटर चेक करें, पहला करंट चेक करें, करंट चेक करके मोटर चेक करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए पानी फुल आ रहा है दबाने पे। देखिए अगर जब भी आपका ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपका मोटर में पहले, सबसे पहले करंट चेक करें, करंट चेक करने के बाद मोटर डाल दें, नया लाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व।